क्या देख रहे हो? सीपी, मैं ये सोच रही हूँ कि तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी शक्ल इस तस्वीर में क्यों है? मतलब ये पेंटिंग तुमने कब बनवाई? एक्चुअली ये पेंटिंग मैंने नहीं बनवाई थी, मतलब एक पेंटर था जिससे मैं पेंटिंग बनवाना चाहती थी, लेकिन जब तक मैं पहुंची ना तो उससे एक रात पहले उसने बोला कि मैं खुद आई थी और पेंटिंग बनवा ली थी मैंने, पर मैं तो कभी गई नहीं थी। जब मैं पहुंची तो पेंटिंग रेडी थी, फिर मैंने ये सोचा कि हाँ शायद उसने इमेजिन कर लिया होगा मुझे और खूबसूरत सी पेंटिंग बना दी। मुझे पेंटिंग इतनी अच्छी लगी तो मैं घर ले आई। मतलब तुम वो नहीं थी जो पेंटर के पास गई थी, तुम्हारी हमशक्ल गई होगी या तो फिर कोई और ही चक्कर है। मेरी हमशक्ल? इस सिटी में मेरी हमशक्ल रहती तो कोई तो देखता ना। और मान लेते कि हमशक्ल थी तो वो उसी पेंटर के पास क्यों गई और उसने पेंटिंग कलेक्ट भी तो नहीं की ना, मैं ले गई, यू नो। ऐसे बहुत सारे सवाल है, अनगिनत, लेकिन इस सारे सवालों का जवाब हमें आज रात मिलने वाला है। आई होप हमें सारे जवाब मिल जाए, क्योंकि इस शैतानी शक्ति ने हमें बहुत तंग करके रखा है। मेरी बेस्ट फ्रेंड पता नहीं किस हालत में कहाँ गायब है। आई जस्ट होप कि वो सही सलामत हमें मिल जाए। यू नो, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मामले के सारे तार तुमसे बहुत गहरी तरह से जुड़े हुए हैं। पर डोंट वरी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी सेफ। एक्चुअली मेरे पास कुछ है, आई कैन हेल्प यू स्टे सेफ। ये काला धागा अभिमंत्रित है, ये तुम्हें सेफ रखेगा। इनफैक्ट इसके वाइब्रेशंस जो है मुझ तक पहुंचती है। वी विल ऑलवेज बी कनेक्टेड। लेकिन इसे उतारना मत। कुछ नहीं, ये जो भी शक्ति है वो हमें देख रही है। हाँ? घबराओ मत, उसे पता चल गया है कि धीरे धीरे उस पे शिकंजा कसता जा रहा है मेरा। वो घबराई हुई है, लेकिन हो ना हो आज रात उसका खात्मा होने वाला है। एक बात ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए इस कमरे के बाहर मत आना।
मैं जानती हूँ कि तुम यही हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा डरी हुई हो। तुम मुझे खत्म कर देना चाहती हो। आज की विधि को तुम रोकना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे सारे राज खुलने वाले हैं, लेकिन तुम्हें यह भी पता है कि तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम जो कोई भी हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। Thank you.
ही वो शक्ति हो, लेकिन कैसे? दो ही वजह हो सकती है। पहली ये कि तुम जो कोई भी हो, सीपी बनकर मुझे छलना चाहती हो, और दूसरी वजह ये कि वाकई तुम्हारा और सीपी का पुराना रिश्ता है और तुम दोनों की शक्ल एक जैसी है। हेलो। हाँ स्वीटी, बस निकल ही रहा हूँ। तुम कब से वेट कर रही हो? ओके बेबी, आप लोगों को और कितना टाइम लगेगा? गिस्सू बस बहुत हो गया, अब तूने दोबारा पूछा ना तो हम रात भर यहीं रुकेंगे। ये तो पेंटिंग वाली सीपी मैडम है। ई झट, मैं नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे हूँ ना। लेकिन ये कौन है, जा कहाँ रही है? हेलो। हाँ स्वीटी, मैं रिक्शा में बैठा हूँ, मैं बस 15 मिनट में पहुंच ही रहा हूँ। 15 मिनट वेट कर लोगी प्लीज? ये अब कहाँ जा रही है? चोटी लग रही मुझे। नहीं अंकल, अरे मेरी अलमारी में घुस रही है। अबे ये तित्तू के कपड़े लेके कहाँ जा रही है? मैं तो आज घर नहीं जाऊंगी, मैं आज रात यहीं रुकूंगी। एक्सक्यूज मी, क्या आपने यही रुकूंगी ऐसे कहा? तो मेरे डेट का क्या होगा? ये कान का पर्दा फट गया क्यों चिल्लाई तू? नानू जीजा अभी यही था, कहाँ चला गया? अरे अबे लौंडा कहाँ गया? हमारे बीच में तो था। ये एक मिनट जीजा, बाहर में नहीं है वो कहीं, कहाँ गया? ए घिसू, तूने कहीं देखा क्या? नहीं, मेरा ध्यान तो सिर्फ सवालों पर था, निकलना तो मुझे था। वो क्यों चला गया? वे ओ लूंडा कहीं चला गया, चुप हो जा बता रहा हूँ, ज्यादा चिल्ला मत कर, न तेरी डेथ की न तेरी डेथ हो जाएगी बता रहा हूँ। यार बिना बताए कहाँ चला गया मेरा लूंडा? यार पता नहीं नानू, मेरे मन में एक ख्याल का पौधा हुआ, कहीं बेसब्री की दीवार खुद कर, बुझी हुई चांदनी के बाल संभाल कर। सीधे सीधे बोल, वरना पूरा का पूरा चांद तेरे मुंह में घुसा दूंगा मैं। कहीं वो वापस घर तो नहीं चले गए क्या? भूतिया शक्ति के पास? अरे भगवान नहीं, तू जीजा। अरे यार अरे भी आ रहे लोंडे है नानू।
हेलो हाँ डार्लिंग मैं बस ओह माय गॉड डार्लिंग रिक्शा रिक्शा ठुक गई मैं आऊंगा तुम्हारा खिस्सू आएगा क्या तुम मेरा वेट कर लोगी क्या तुम मुझे बर्दाश्त करोगी क्या जवाब दिया उसने उसने कहा कर लूंगी क्योंकि तुम किस्सू हो इधर आ गया इसमें तो नहीं है हाँ इन्हीं घूम तो नहीं चला गया होगा एक्सक्यूज मी अब तो हो गया ना अब मैं जाऊं दुकान बंद करके कौन जाने ये अंधेरी रात अपने अंदर और कितने रास समेटी हुई अभी तो चांद ने पहली उबासी ली क्या बकवास कर रहा है बे बेटे तुम करो तो कोई बात नहीं अभी थोड़ी देर रुक जाओ ना पता नहीं क्या जरूरत पड़ जाए हाँ हाँ डार्लिंग मैं तो पहुंच गया हूँ तुम कहाँ खड़ी हो दिखाई नहीं दे रही अब दिखाई दी अरे स्वीटी तुम यहाँ मैंने तो तुम्हें इंडिया गेट पे बुलाया था तुम इतनी बड़ी छोटी हो ब्रेकअप क्यों क्योंकि तुम्हारी आइसक्रीम पिघल गई है कप वाली या कोन वाली स्वीटी पानी रुक रुकती पीने कुछ तो टूटा है किसी के पायल का घुंघरू या फिर किसी के दिल का कोना गेट आउट सॉरी भाई सॉरी बंटी हाँ यार पिछले महीने के जीएसटी के बिल्स कहाँ हैं ओ मैं अभी ले आता हूँ वैसे बहुत अच्छा मौसम हो रहा है ना बाहर अच्छा एक बात पूछूं कभी बारिश में डांस किया अकेले अकेले नहीं मतलब किसी के साथ सीपी नहीं मतलब होता ना कपल डांस रोमांटिक वाला नहीं कोई बात नहीं मतलब अगर कभी करना हो तो बता देना बंटी तू कभी बारिश में पिटा है अकेली नहीं दो दो लड़कियों से मतलब एकदम घूसा वाली पिटाई नहीं कभी मन करे तो बोलना हाँ क्या हुआ तंग कर रहा फिर से चल कोने में ले जाके इसको देते हैं महीने भर की पॉकेट मनी हाँ नहीं यार समोसों के लिए पूछ रहा था जा लेकर आ अच्छा बेटा ये तो वो वाली स्माइल है कौन सी वाली वो ही प्यार होने के बाद वाली स्माइल सियाप्पे है बाय गॉड नो अच्छा मेरी बहन मुझे से छुपाएगी देखते तू जब तू गायब हुई थी ना तो इसने ना मेरा बड़ा साथ दिया है आई मीन तुझे इतना ढूंढा और कई बार तो तुझे ढूंढने के चक्कर में ना इसकी जान तक यू पर फिर भी इसने मेरा बहुत ख्याल रखा है पर प्यार बंदा इतना तो कर चुका तेरे लिए और क्या करे एवरेस्ट पे जाके मूली की खेती करे तेरे लिए नो नहीं वो नहीं चाहिए जैसा ही स्वीट अच्छा लड़का है मीन एंड प्यार का नहीं पता मुझे नहीं नहीं नो 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 देख बहन पता नहीं है ना तो पता कर आई एम टेलिंग यू टाइम बाय नहीं वेस्ट करते
वरना तू वेट करती रह जाएगी और एक दिन ये अपने छोटे छोटे बच्चों को तेरे पास लाएगा और बोलेगा बच्चों बुआ जी को नमस्ते करो. डू यू वांट दैट? शट अप. ऐसा नहीं होने वाला. आई होप सो. आई मीन आई नो. ओह समोसे गरम. नाइस. एक प्लेट दे. ये दो समोसे तुम दोनों खा लो. ये मैं जीजा जी को देके आती हूँ. जुल्फे जो रास्तों से भटक गई थी उन्हें सूनी सड़कों के दरख्तों के बीच सहारा देकर फिर से सही राह पर लाया जा रहा है. समोसा खाएगा? यार अब ये भी कोई पूछने की बात है? तू तो जानती है मैं समोसे कभी छोड़ता नहीं. लेकिन यार भी हाथ गंदे ना. ओए मैं अपने हाथों से नहीं खिलाऊंगी. अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं. चल तू ही खिला दे अपने हाथों से. बदमाश. बहुत ज्यादा ही नहीं रहता आजकल. बकवास. हाँ तो कोई सीधा साधा तो टिकेगा भी नहीं तेरे साथ. कच्चा चबा जाएगी तू. तेरे साथ तो एक बदमाश ही मैच हो सकता है. मैच हो सकता है मतलब? मैच मतलब वो अपना बॉक्सिंग मैच रेसलिंग मैच. छोड़ दे मुझे नहीं लड़ना तेरे साथ प्लीज. तो फिर क्या करना है? समोसा खाना है और क्या करना है? बदमाश. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया यार. बहुत बढ़िया. ये बहुत बढ़िया ये नहीं. क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. ये क्या है? बहुत बढ़िया है. ए गुल्लू कोठी हथियाने के चक्कर में प्यार का ड्रामा कर रही हूँ. प्यार का ड्रामा कर रही हूँ. कोई सच्ची का प्यार नहीं हुआ है मुझे. अभी यही बोलोगे? तू ये ले समोसा का. मुंह बंद रख. अब भी वही नहीं बोलूंगा. अब ना कोई धोखा है ना कोई प्लानिंग. कोई लड़की इन कोठी इन वाला प्लान नहीं है. दोस्त है मेरी वो. मेरा तुम अपने आप को धोखा बनते हो कि मेरी अच्छी दोस्त है. अच्छी दोस्त है वो. तुम सलमान खान की फिल्म नहीं देखी जिसमें वो बोलता है कि एक लड़का और लड़की कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते? नहीं मैंने नहीं देखी है फिल्म. दिमाग खराब हो गया तेरा. ये दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है प्यार व्यार के चक्कर में. तुम्हें याद नहीं मयूरी आंटी ने क्या बोला था कि तुम दोनों ये करीब आ रहे हो ना यही सारे फसाद की जड़ है. कि तुम अपना ताजमहल बनाने के चक्कर में ना दूसरों के मकबरे मत खोदो यार. सीपीओ तुम कोई अभी दूध पीते बच्चे तो हो नहीं कि बस तुम खेलते रहोगे खिलौनों से. अब बड़े हो गए जवान हो गए तो होगे करीब तो एक दूसरे के. लेकिन वही तो जड़ है सारी. तो मैं क्या करूं? हाँ मुझे अच्छी लगती है वो. ऐसे किसी भी नतीजे पे पहुंचने के पहले हमें आजमाना चाहिए पहले इस चीज को. अच्छा जी कैसे? मुझे नहीं पता कैसे. कोई तरीका ढूंढेंगे. टेस्ट करेंगे कि क्या सच में ऐसा है. किसी भी और मैं जब करीब आते हैं तो कुछ बुरा होता है. नहीं कर लो तुम अपने टेस्ट वनडे क्रिकेट सब कर लो. तुम कर लो सब. टेस्ट करेंगे. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.